بسم الله الرحمن الرحيم. دار السلام ماسك، تورنتو، كندا. ويدنسدي افتر 11th تراوي 11th of September 2008. Jacquatable materials and their categories. Assessments of loans in calculating Jacquat. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Shahid Ahmad Barakatuhu. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگوار بھائیو، ये बात मैंने पहले भी समझा दी है कि जका अमवाले जकात यानी जकात केबल अमवाल की पांच कैटेगरियां हैं, अलग अलग वो अलग अलग रहेंगे, एक को दूसरे के साथ मिलाएंगे नहीं, और हर कैटेगरी में से एक निसाब तय किया गया है और ये बड़ा निसाब कहलाता है। इसके अलावा एक छोटा निसाब है, वो भी पहले कभी मैंने बताया था। छोटे निसाब से पांच अहकाम मुताल्लिक हैं और बड़े निसाब से छह अहकाम मुताल्लिक हैं। कि कोई मुश्किल मजमून नहीं है, अभी जरा मुश्किल से मालूम होता है कि क्या भूल भुलैया है, मुश्किल नहीं। अगर किसी के पास ऊंट है और वो जंगल की मुबाह घास पत्ते खाकर उस पर साल का बेशतर हिस्सा गुजारा करते हैं तो उनका निसाब पांच है, पांच से कम में कोई जकात नहीं। पांच ऊंट हो तो वहां से जकात शुरू होती है। फिर क्या जकात है उसे छोड़िए, हमारे पास कहां ऊंट है, गाय भैंसे हैं, गाय और भैंस एक ही है, एक ही खानदान है, अलग अलग नहीं। उनका निसाब तीस है, उसमें भी वही कि वो सायमा हो, जंगल की मुबाह जो सरकारी जंगल है जिसकी घास का कोई मालिक नहीं है, वो जो मुबाह घास है वो साल का बेशतर हिस्सा चर करके उसी पर गुजारा करते हो तो उनमें जकात है। और अगर बैल भैंसों को घास खरीद कर लाकर खिलाते हैं या खेत में उगा कर खिलाते हैं तो उनमें कोई जकात नहीं। और ये एक मुस्तकिल अलग कैटेगरी है, तीस हो गए
छोटे बड़े सब सर गिनेंगे। 30 हो गए तो जकात आएगी, फिर और जकात क्या है, उसे छोड़ो हमारे पास कहां गाय भैंसे हैं। समझने की बात है कि एक मुस्तकिल कैटेगरी है। एक आदमी के पास 4 ऊंट हैं और 25 गायें भैंसे हैं तो एक दूसरे से मिलाएंगे नहीं, वो साहिब निसाब नहीं है, क्योंकि वो भी 4 ऊंट हैं और ये 25 है, न वो निसाब है न ये निसाब है, दोनों को मिलाएंगे नहीं। इसी तरह भेड़ बकरी, ये भी दोनों एक ही खानदान है, अलग अलग नहीं। इनका रेवड़ बनाया है 40 का, 40 में जकात आएगी, 40 में छोटे बड़े सब सर गिनेंगे। और यहां भी वो शर्त है कि साल का बेशतर हिस्सा जंगल में जो सरकारी चरागाह है, जिसकी घास का कोई मालिक नहीं है, वहां के घास पत्ते चर करके उस पर गुजारा करते हो, तो 40 का अगर रेवड़ है तो उसमें जकात आएगी, फिर और ऊपर जकात है, हमें उससे भी क्या लेना है। ये भी मुस्तकिल कैटेगरी है। अगर किसी के पास में 4 ऊंट हैं, 25 गाय भैंसे हैं और 35 भेड़ बकरियां हैं, कुछ नहीं, एक को दूसरे के साथ नहीं मिलाएंगे। चौथा है जमीन की पैदावार। जमीन में से जो कुछ पैदावार हो रही है उसकी सिंचाई पर अगर खर्चा किया गया है या मेहनत की गई है तो पैदावार का 20वां हिस्सा लिया जाता है। और अगर सिंचाई पर खर्चा नहीं किया गया, मेहनत भी नहीं की गई, बारिश अल्लाह ने बारिश ने अता फरमाई, उससे पैदावार हुई, तो पैदावार का 10वां हिस्सा। इसके अलावा दूसरे खर्चे नहीं देखेंगे। हल जोतना है वो तो जोतना है, बीज डालना है वो तो डालना है, खाद डालना है तो डालना है, वो नहीं देखा जाएगा। सिर्फ सिंचाई पर मेहनत या खर्चा हुआ है या नहीं, हुआ है तो 20वां हिस्सा, नहीं हुआ तो 10वां हिस्सा। इसको उश्र कहते हैं। और ये उश्र भी गरीबों को देना है। जहां जकात खर्च होती वहां ये उश्र भी खर्च होता है। फिर दुनिया में मुल्क 3 किस्म के हैं। एक इस्लामी मुल्क है, दूसरा वो मुल्क है जो इस्लामी था फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गया, जैसे इंडिया। तीसरा वो है जो कभी इस्लामी मुल्क बना ही नहीं, जैसे कनाडा। फिर सबकी जमीनों के अहकाम अलग अलग है। वो मुल्क जो इस्लामी है, मुसलमानों का मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, उसकी जमीनें फिर 2 किस्म की हैं। एक वो है जो कुदरती दरियाओं से सींची जाती है और शुरू से उसके मालिक मुसलमान है, तो उसमें उश्र वाजिब है, 10वां या 20वां हिस्सा वाजिब है। जो कुदरती दरियाओं से उनकी सिंचाई होती है और शुरू से उसके मालिक मुसलमान है, उसमें उश्र वाजिब है। और वो जमीनें जो कुओं से, ट्यूबवेल से सींची जाती हैं या कुदरती दरियाओं से सींची जाती हैं, मगर वो जमीनें कभी गैर मुस्लिमों के पास रही हैं, फिर उनके पास से मुसलमानों के पास आई हैं, तो उनमें उश्र नहीं है, उसमें बीघा लिया जाता है, खैराज वाजिब है। और ये जो खैराज लिया जाएगा इसका बड़ा हिस्सा आर्मी पर खर्च होता है, उश्र तो गरीबों पर खर्च होगा, और ये जो खैराज लिया जाएगा, लगान लिया जाएगा, बीघा लिया जाएगा, वो आर्मी पर खर्च होता है। और वो मुल्क जो मुसलमानों के हाथ में रहे हैं, कभी इस्लामी मुल्क थे फिर मुसलमानों के हाथ से निकल गए, जैसे इंडिया, वहां मुफ्तियों, वहां भी गवर्नमेंट का बीघा है। देखो मुसलमानों का जो मुल्क है वो हुकूमत लेगी, उश्र भी हुकूमत लेगी। पाकिस्तान में वजारतों में से उश्रो खैराज की एक मुस्तकिल वजारत है, वो गवर्नमेंट वो उश्र भी वसूल करेगी, खैराज भी। उश्र जाएगा गरीबों में, खैराज जाएगा आर्मी पर।
और जो गैर मुस्लिम जो मुसलमानों की हुकूमत थी मगर मुसलमानों के हाथ से निकल गई। क्यों निकल गई? अल्लाह का एक कानून है, इन्नल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम। अल्लाह ताला किसी भी कौम के अच्छे अहवाल उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक वो अपने अहवाल बिगाड़ नहीं लेते। यही शायद का मतलब है। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जो शेर बांधा है वो गलत बांधा है उन्होंने। किसी कौम के बुरे अहवाल अल्लाह जब चाहे बदल देते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि कौम फैसला करे अपने अहवाल बदलने का तब अल्लाह बिगड़े हुए अहवाल बदले, ऐसा नहीं है। आप गौर कीजिए, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैसत हुई थी तो सारी दुनिया का क्या हाल था और खास तौर पर अरबों का क्या बुरा हाल था। मगर अल्लाह ने फैसला किया, अल्लाह ने अपने नबी आखिरी नबी को भेजा, उन्होंने 23 साल मेहनत की और अरब की काया पलट दी अल्लाह ने। तो बिगड़े हुए अहवाल को तो अल्लाह ताला जब चाहे बदल देते हैं, लेकिन अच्छे अहवाल को अल्लाह ताला उस वक्त तक नहीं बदलते जब तक कौम अपने अहवाल न बिगाड़ ले। तो वो मुल्क जो मुसलमानों का था वह मुसलमानों के पास से क्यों चला गया है? हमारे अहवाल बिगड़ गए। कितने बिगड़ गए? हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तान इंडिया नहीं, हिंदुस्तान जिसके 8 टुकड़े हो गए हैं, मुत्तहेदा हिंदुस्तान जिसके 8 टुकड़े हो गए हैं। इधर पाकिस्तान बन गया, उधर बांग्लादेश बन गया, उधर भूटान बन गया, उधर नेपाल बन गया, उधर बर्मा रंगून बन गया, इधर इंडिया बन गया। ये सब मुत्तहेदा हिंदुस्तान है। इस मुत्तहेदा हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 900 साल हुकूमत की, लेकिन ये बादशाह जिन्होंने 900 साल हुकूमत की है एक बंदे तक उन्होंने इस्लाम नहीं पहुंचाया। और ये जो इन मुल्क के अंदर जो इस्लाम की बागो बहार है ये औलियाए केराम की मेहनतों का नतीजा है, उलमाए केराम की मेहनतों का नतीजा है। इन बादशाहों ने कुछ नहीं किया, बल्कि औलिया और उलमा की मेहनतों से जो हिंदू मुसलमान हुए उनकी तालीम और तरबियत का भी कोई इंतजाम नहीं किया। वो गरीब थे तो उनको कोई माली तआवुन भी नहीं किया। ये बादशाह भाई भाई लड़ते रहे, बाप बेटे लड़ते रहे, चचा भतीजे लड़ते रहे, कुछ तो कूनी करते रहे और डंडे के जोर से हुकूमतें करते रहे। और जजीरतुल अरब से जो पड़ोसी हुकूमतें हैं, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, मिस्र, फिलिस्तीन, जॉर्डन, पूरी पट्टी, ये कौन मुसलमान, कहां मुसलमान थे? सहाबा वहां पहुंचे और सहाबा ने उन मुल्कों को फतह करके वहां दीन की मेहनत की। मेहनत की तो उन मुल्कों की काया पलट गई। एक आदमी गैर मुस्लिम वहां नहीं रहा, वहां का मजहब इस्लाम बन गया और वो अरब ममालिक हो गए। और ये 900 साल हुकूमत करने के बावजूद वहां अरबी बिचारी अजनबी की अजनबी रही। और आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर, जिनके पास लाल किला था, सिर्फ लाल किले से बाहर कुछ नहीं था उनके पास, उन्होंने मुमताज महल से जो शादी की है तो निकाहनामा लंदन में मौजूद है अब भी, मैंने खुद देखा है। उसने मुमताज महल को 1 लाख रुपये मेहर दिया है, उस जमाने में जब 6 रुपये गाय की कीमत थी, 1 गाय 6 रुपये में आती थी, उस वक्त उसने एक औरत को 1 लाख रुपये मेहर दिया था। वो मेहर उसके बाप का था, वो मुल्क का पैसा था जो इस तरह से उड़ाया गया था। तो जब हमने अपने अहवाल बिगाड़े तो अल्लाह ताला ने अपनी सुन्नत बदल दी। मैं टर्की गया एक मर्तबा सिर्फ ये देखने के लिए कि खिलाफत उस्मानिया 500 साल रही,
टर्की के जो बादशाह जिन्होंने पूरे इस्लामी मुल्क पर 500 साल हुकूमत की, वो हुकूमत क्यों अल्लाह ने हमारे हाथ से ले ली? भाई यही देखने के लिए टर्की गया था, क्योंकि कुस्तुनतुनिया ये शहर ये दारुल सल्तनत था, तो वहीं जाकर पता चलेगा कि अल्लाह ने ये हुकूमत क्यों ले ली। हम 7 दिन रहे, देखते रहे देखते रहे, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। एक मरतबा लोगों ने कहा कि चलो हमें डोलमा बाची पैलेस दिखाएंगे। मैंने कहा चलो देखेंगे। तो बॉस्फोरस दरिया है, उसको पार कश्ती से पार करके उस तरफ एशिया की तरफ जाना पड़ता है, और वहां वो महल है डोलमा बाची पैलेस। हम बर्तानिया से गए थे, सब अहबाब बर्तानिया के साथ में थे। वो एक महल है जो 7 बादशाहों ने मिलकर बनाया है, यानी उस महल के पूरा होने में 7 बादशाहों की हुकूमतें खर्च हुई, और उसकी छतों में 300 टन सोना लगा हुआ है, और उसमें जो सोने के चमचे और पलेटे और बर्तन जो है वो तो खुदा जाने कितना सोना है उसमें, और हर हर हाल में जो झाड़ और फानूस लगे हुए हैं वो मिलियनों बिलियनों डॉलर के फानूस लगे हुए हैं। और जो गाइड था हमारा, वो इत्तेफाक से ऐसा नौजवान था कि वो अरबी जानता था। तो हम तमाशा हो, जब हम गए तो जो अंग्रेजी बोलने वाले थे एक तरफ और टर्की बोलने वाले एक तरफ, टर्की को और ले गया गाइड और हमारे अंग्रेजी वाले, अब हम तो अंग्रेजी नहीं जानते थे, साथ ही अंग्रेजी वाले थे, हम भी इस ग्रुप में खड़े हो गए, तो हम अंग्रेजी ग्रुप के साथ में चला। तो उसने पहले कमरे में जब हम दाखिल हुए, पहले कमरे में उसने जब ये जुमला कहा कि इस पूरे महल को अगर आप देखना चाहें तो 1 महीना लगेगा, तो मेरे मुंह से निकला या सलाम। तो नौजवान फौरन मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने अरबी में शुरू किया, आरफुल अरबी है बस। फिर उसको मैं मिल गया, मुझे वो मिल गया, अब वो हर जगह अरबी में मुझे बता रहा, हर चीज बता रहा। अब वो सब यूरोपियन सब औरतें मर्द प्लीज इंग्लिश करते रहे, वो मुझे अरबी में बता रहा। तो 3 घंटे में उसने हमें वो महल दिखलाया, और उसने कहा कि मैंने महल का 10वां हिस्सा भी तुम्हें नहीं दिखाया। बहरहाल वो क्या है, जाओ अभी वही डोलमा बाची पहले से जाओ देखो। देख करके 3 घंटे के बाद में बाहर एक मस्जिद है, वहां आकर हमने असर की नमाज पढ़ी, और मैं यूं करके बैठा था। तो वहां एक दोस्त थे हमारे जो शहीद हो गए एक एक्सीडेंट में, भाई जकरिया, वहीं के थे, जमात में घूमते थे इसलिए उर्दू टूटी फूटी जानते थे। तो मेरे पास आया, कहने मां क्या बात है, सर दर्द कर रहा? मैंने कहा नहीं सर दर्द कर रहा था, वो उतर गए। कहने क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये, मैं इस मुल्क में आया ये देखने के लिए आया था कि अल्लाह ने हमें एक नेमत दी थी, और हमारे पास में 500 साल से खिलाफत उस्मानिया थी, वो अल्लाह ने हमसे क्यों ले ली, ये देखने के लिए मैं आया था। डोलमा बाची पैलेस देखने के बाद में बिल्कुल मेरी समझ में आ गया कि हम इस नेमत के अहल नहीं रहे थे, इसलिए अल्लाह ने नेमत हमसे ले ली। मेरे सफर का जो मकसद था वो बात मेरी समझ में आ गई। आज भी सिर्फ डोलमा बाची पैलेस में जितना गोल्ड है वो गोल्ड मार्केट में आ जाए, उसमें झाड़ और फानूस है वो सब मार्केट में आ जाए, तो पाउंड पीछे रह जाएगा और डॉलर आपका पीछे रह जाएगा, उनका लीरा इतना कीमती बन जाएगा, लेकिन वो यादगार उसमें से निकल नहीं सकता, और लीरे की हैसियत मिट्टी के बराबर है। बहरहाल अल्लाह ताला ने जो हमसे नेमत ली, अल्लाह ने जुल्म नहीं किया, हमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, हमारे बड़ों ने अल्लाह की नेमत के साथ खिलवाड़ किया है, तो अल्लाह ने अपनी नेमतें ले ली। तो ये मुल्क, यहां की जो जमीनें हैं
वहां के बारे में दारुल देवबन का फतवा ये है और सभी मुफ्तियों की राय ये है कि चूंकि वहां की जमीनों में से गवर्नमेंट बीघा लेती है और दो मऊनतें जमानी होती, दो मऊनतें जमानी होती, इसलिए उलमा ने यह कहा कि उन जमीनों में से उश्र निकालना मुस्तहब है, वाजिब और फर्ज नहीं, क्योंकि हुकूमत भी बीघा लेती। और तीसरे वो मुल्क हैं जो कभी इस्लामी मुल्क रहे नहीं, जैसे आपका ये मुल्क, उसमें भी, उसमें जब हिंदुस्तान में उश्र के वजूब का कौल नहीं रहा, उश्र के इस्तेहबाब का कौल है, तो इस ऐसे मुल्क की जमीनों में वजूब कहां से होगा, इस्तेहबाब होगा। बहरहाल ये जो जमीनों की पैदावार में से उश्र लिया जाता है, खिराज लिया जाता है, उसमें खिराज तो आर्मी पर खर्च होता है लेकिन उश्र गरीबों पर खरीद होता है, तो ये जकात के हुक्म में, और ये मुस्तकिल अलग कैटेगरी है। ऊंटों के साथ, गायों भैंसों के साथ, बकरियों के साथ जमीन की पैदावार को मिलाएंगे नहीं। एक पांचवी चीज है, वो चार चीजें हैं और उन चारों को मिलाया जाएगा, वो एक चारों मिलकर एक कैटेगरी है, गोल्ड, सिल्वर, करेंसी और अमवाले तिजारत। अगर अलग है, सिर्फ सोना है तो ये निसाब है, सिर्फ चांदी है तो ये निसाब है, और करेंसी है तो चांदी के निसाब से कंपेयर करना है या सोने के निसाब से कंपेयर करना है। अमवाले तिजारत है तो चूंकि हम बीच में सोना चांदी और अमवाले तिजारत के बीच में करेंसी आती है, अमवाले तिजारत करेंसी से खरीदे जाते हैं और करेंसी सोने चांदी का पर मदार होता है, लिहाजा अमवाले तिजारत को भी मुफ्तियों का फतवा यह है कि चांदी के निसाब से कंपेयर करेंगे, और मैं कहता हूं जो हैवी करेंसियां हैं उनको गोल्ड के निसाब से कंपेयर करेंगे, और अगर थोड़ी चांदी, थोड़ा सोना, थोड़े पैसे, थोड़ा सामान, तो सब की कीमत लगाकर डॉलर में लाएंगे और चांदी या सोने के निसाब के बकदर कीमत हो जाए तो निसाब हो गए। फिर ये भी मसला आप जानते हैं कि निसाब का मालिक होते ही जकात वाजिब नहीं होती, पूरा साल निसाब बाकी रहे मिल्कियत में तो साल पूरे होने पर जकात आती है, साल के बीच में निसाब घट गया तो कोई जकात नहीं। ये जो पांच अनवार है, इसमें से जमीनों की पैदावार को अलग कर दो, बाकी जो चार जकातों के निसाब हैं ये बड़ा निसाब है और एक छोटा निसाब है। छोटा निसाब ये है कि इंसान की अपनी हाजात असलिया में जो चीजें मशगूल हैं उनको अलग करो, जरूरत से जायद जितनी चीजें हैं सब कीमत लगकर निसाब में गिनी जाएंगी। जमीन है एक आदमी के पास, इतनी जमीन जिससे उसकी फैमिली का गुजारा हो जाए, इतनी जमीन तो उसकी हाजत में है, इससे जायद जमीन है तो वो जमीन भी कीमत लगकर निसाब में आएगी। मकानात हैं और मकानों के किराए से उसका गुजारा होता है, उसका और उसकी फैमिली का, तो इतने मकान के जिससे उसका उसकी फैमिली का गुजारा हो, इतने किराए के मकान अलग करो, इससे जो जायद मकान है उनकी कीमत लगकर निसाब में आएगा। घर में बर्तन भरे हुए हैं, मर्दों के पास या औरतों के पास में कपड़े बेहिसाब बक्सों में भरे पड़े हैं, तुम्हारी जितने जरूरत के हैं वो जरूरत के बर्तन अलग करो, कपड़े अलग करो, जायद कपड़े और बर्तन हैं वो भी कीमत लगकर निसाब में आएंगे। फिर चांदी के निसाब के बकदर या सोने के निसाब के बकदर कीमत हो जाए तो उसके साथ पांच आहकाम मुताल्लिक होते हैं, ये छोटा निसाब कहलाता है। और इस छोटे निसाब में, और इसी को मैंने पहले बयान किया था कि आजकल टीवी फजूलियात में है,
मगर उसको भी हम हाजात में गिनते हैं। ये कालीन फजूलियात में है मगर हम उसे भी हाजत में गिनते हैं। ये घड़ी फजूलियात में है मगर उसे भी हम हाजत में गिनते हैं। लेकिन अगर घर में तीन घड़ियां लगी हैं, एक इस दीवार पर, एक इस दीवार पर, एक इस दीवार पर, मेहराब में नहीं लगी, तो इसमें से एक ही घड़ी हाजत में गिनी जाएगी। दो घड़ियां हाजत से जायद हैं, वो कीमत लगकर निसाब में आएगी। हमारे घरों में कई कई घड़ियां होती हैं, ये जितनी घड़ियां हैं ये सब हाजत में नहीं, एक ही घड़ी हाजत में। वो पांच अहकाम क्या हैं? ये छोटे निसाब का जो भी मालिक है उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये छोटे निसाब का जो भी मालिक है उस पर सदका फितर वाजिब है। इस छोटे निसाब का जो भी मालिक है उसके लिए जकात लेना हराम है और उसको जकात दी जाएगी, जकात अदा नहीं होगी। ये मसला बहुत अहम है कि ऐसा शख्स उसके लिए जकात लेना हराम है और ऐसे को अगर कोई भूल में जकात, अगर जानकर जानते हुए जकात दे, जकात अदा नहीं होगी, और उसने गरीब समर्थ कर दे दी तो उसके लिए हराम है। हमारे सदर साहब कल मुझे सुना रहे थे कि यहां पहले वेलफेयर का कायदा ये था, वो बदल गया वेलफेयर का कायदा। पहले वही जो शरीयत का कायदा था वो था, वो आपको वेलफेयर में जब आप फार्म भरेंगे वो बुलाएगा तुम्हारे पास मकान है या नहीं, उन्हें का मकान है, वो कहेंगे मकान बेच करके उससे गुजारा करो और किराए के मकान में जाओ और मकान अपना जाति बेच दो और जब वो पैसा न रहे तो वेलफेयर लेने आइयो। ये यहां इस मुल्क में ये कानून था, कल मुझसे इन्होंने बयान किए। तो जब उसके पास जरूरत से जायद बेकार चीजें हैं उसे बेच और अपना गुजारा कर, जकात क्यों मांग रहा है? उसके लिए जकात मांगना भी जायज नहीं, उसको जकात देंगे जकात अदा नहीं होगी। जब जरूरत से जायद तेरे पास चीज है तो उसे बेच और उसे गुजारा कर। तो एक तो कुर्बानी वाजिब, सदका फित्र वाजिब, जकात हराम और उसको जकात देने से जकात अदा नहीं होगी। नंबर चार, उस पर हज फर्ज है, उस पर हज फर्ज है। वो जो अपनी जरूरत से जायद मकान है बेचो और हज में जाओ, अपनी जरूरत से जायद जमीन है बेचो और हज में जाओ, अपनी जरूरत से जायद बर्तन कपड़े हैं बेचो और हज में जाओ, हज फर्ज है उस पर। और पांचवी चीज, इसको भी लोग नहीं जानते कि हज की फर्जियत ये छोटे निसाब से जुड़ी हुई है, इसको लोग जानते नहीं। और पांचवी चीज को तो कोई जानता भी नहीं और जानना चाहता भी नहीं। वो पांचवी चीज है दधियाली और ननियाली। खानदान में ऐसा मर्द या औरत जो कमाने के काबिल नहीं है और गरीब है तो ऐसों का नफका मेंटेनेंस इस शख्स पर वाजिब है जो छोटे निसाब का मालिक है। इसको कोई जानता भी नहीं और जानना चाहता भी नहीं। ये नाता है, दधियाली रिश्ता ये नाता है और ननियाली रिश्ता मां की तरफ का, बाप की तरफ का ये नाता है, खानदान है। इस खानदान में कोई ऐसा शख्स है, मतलब अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, निहायत ज़ईफ है, बेवा है, नातवा है और बिचारे के पास में कुछ गुजारे के लिए नहीं है, तो ऐसे खानदान के लोगों का खर्चा नफका मेंटेनेंस वाजिब है खानदान के हर उस शख्स पर जिसके पास छोटा निसाब है। अपनी जायद जमीनें बेचो, इनका खर्चा पूरा करो, अपने जायद मकानों से बेचो, इनका खर्चा पूरा करो, अपने जायद कपड़े बेचो, जायद बर्तन बेचो, खानदान के ऐसे गरीबों का खर्चा पूरा करो। और जिसके पास में बड़ा निसाब है, यानी पांच ऊंट हैं, 30 गायें भैंसे हैं, 40 भेड़ बकरियां हैं, या सोना चांदी अमवाले तिजारत करेंसी का निसाब है, बड़ा निसाब है, तो उस पर 6 चीजें वाजिब हैं। पांच चीजें यही और छठी चीज उस पर जकात वाजिब है।
अपने माल में से साल पूरा होने पर जकात निकाल करके गरीबों को देनी। तो बड़े निसाब के साथ छह चीज अहकाम मुतालिक हैं। छठा हुक्म है जकात निकाल कर गरीबों को देना वाजिब है, और छोटे निसाब के साथ पांच अहकाम है, उस पर जकात वाजिब नहीं है, जकात निकाल कर गरीबों को देना वाजिब नहीं है, बाकी पांच अहकाम उससे मुतालिक होते हैं। उसके बाद ये बात जाननी चाहिए कि सोना सभी लोग जानते हैं, उसमें क्या तफसील करें, चांदी वो सभी लोग जानते हैं, भाई इतना फर्क पड़ा है पहले में और अब में, इतना फर्क पड़ा है कि पहले सोना चांदी खुद करेंसी थी, अब वो करेंसी नहीं रही, उसकी जगह पर कागज आ गए, लेकिन वो कागज का मदार इसी पर है, करेंसी। जब सोने की कोई तफसील नहीं है तो करेंसी की क्या तफसील करेंगे, वो तो सोने चांदी पर इसका मदार है। अब रह गए अमवाल तिजारत, लिहाजा अमवाल तिजारत के बारे में थोड़ी सी तफसील समझ लेनी चाहिए। वो चीज जिसे खरीदी गई है बनियत तिजारत, बेचने की नीयत से खरीदी गई तो वो तिजारत का माल है, और अगर खरीदी उस वक्त बेचने की कोई नीयत नहीं थी तो वो तिजारत का माल नहीं है। क्यों खरीदी थी जब तिजारत की बेचने की नीयत नहीं थी तो क्यों खरीदी थी? खरीदी थी किराए पर उठाएंगे और किराए से पैसा कमाएंगे और आमदनी करेंगे। खरीदी थी के बच्चे बड़े हो जाएंगे, जरूरत पड़ेगा जमीन में घर बना देंगे प्लाट के, और कोई अच्छी कीमत आएगी तो बेच देंगे, ये भी तिजारत की चीज नहीं। तिजारत की चीज वो है कि मकान खरीदा, जमीन खरीदी, क्यों खरीदी है? ताकि उसे बेचना है, बेचने के लिए खरीदी है, प्लाट खरीदा बेचने के लिए, मकान खरीदा है बेचने के लिए, तो ये तिजारत का माल है। और अगर हमारे खेत में अनाज पैदा हुआ है और वो अनाज खाने का नहीं, जैसे कपास है, सरसों है, जीरा है और पता नहीं क्या क्या है जो खाए नहीं जाते हैं, कई मिलों में जाते हैं, तेल निकलते हैं मिलों में जाते हैं, कपड़े बनते हैं, जिसके खेत में पैदा हो तो वो ला माला बेचेगा, या गेहूं हमारे खेत में पैदा हुए हम उसमें से 30 मन खाएंगे और 200 मन पैदा हुए, ये तिजारत का माल नहीं। ये जब तक रखा रहेगा उसमें कोई जकात नहीं, जब उसे बेच देंगे तो अब जो पैसा आएगा वो पैसा बैलेंस में जाएगा, और आपके बैलेंस पर जब साल पूरा हो जाएगा और जकात आएगी तो ये जो पैसा आया है उसकी भी जकात आएगी। और अगर आपने कपास सरसों खरीदा है, क्यों खरीदा है? ताकि जब सीजन बदलेगा और भाव बढ़ेगा तो बेचेंगे। तो अभी जो खरीदा है कपास और सरसों, ये तिजारत का माल है, और हमारे खेत में जो सरसों और तिजारत, वो तिजारत का माल नहीं। इसी तरह से मकान खरीदे, उसने मकान खरीदे हैं आमदनी करने के लिए, मकान बेचने नहीं, कभी अच्छे पैसे आए तो बेच भी दिए, बाकी बेचने के लिए मकान नहीं खरीदे हैं, किराए पर उठाने के लिए और आमदनी करने के लिए हैं, तो इसकी जो आमदनी आएगी वो बैलेंस में जाएगी, उस पर जब आपके निसाब पर साल पूरा होगा तो ये सब किराया उसमें शामिल होकर जकात आएगी, बाकी मकानों पर जकात नहीं है, इसलिए कि ये मकान बेचने के लिए नहीं। ये जो आपका बैलेंस है उस बैलेंस में से आप कर्जा लेस करेंगे, और कर्जा लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा उस पर जकात आएगी। मगर कर्जे तीन किस्म के हैं, एक कर्जा है कवी स्ट्रांग, वो कर्जा वो है जो आपको एनी टाइम वसूल हो सकता है, ये कर्जा लेस होगा। अगर आपको लेना है तो ऐड होगा, बैलेंस में ऐड होगा, और आपको देना है स्ट्रांग कर्जा देना है तो लेस होगा। दूसरा है वीक ज़ईफ कर्जा, वो न ऐड होगा न लेस होगा।
और तीसरा है मिडिल क्लास का कर्जा, वो देना है तो देने में आप मिडिल क्लास में क्यों है, देना हो देते तो अपने डिजायर की बात है, लेकिन लेना है तो हमारा इख्तियार नहीं है, तो वो फिलहाल ऐड नहीं होगा। लेकिन जब वो कर्जा वसूल होगा गुज़िश्ता सालों की ज़कात देनी पड़ेगी। अब मिसाल लो, कर्ज़े हसनतुन यानी हमने किसी को कर्जा दिया है या किसी से कर्जा लिया है, नो इंटरेस्ट, लोन नहीं, कर्ज़े हसना है, तो अगर हमने दिया है तो हम उसको एनी टाइम मांग सकते हैं, और अगर हमने वादा किया है कि दो साल के लिए कर्जा दिया, ये दो साल की मुद्दत ये महज अखलाक की बात है, वो कोई दो साल की मुद्दत लाजिम नहीं है, अगर हमें इमरजेंसी पेश आ जाए, कोई नीड पे जरूरत पेश आ जाए, एनी टाइम वो कर्जा मांग सकते हैं, भैया लाओ मुझे जरूरत है, तो हमने किसी को दिया है तो एनी टाइम मांग सकते हैं, और किसी से लिया है तो वो दूसरा हमसे एनी टाइम मांग सकता है। ये कर्जे हसना, ये कर्जे हसना स्ट्रांग कर्जा है, जब एनी टाइम मांग सकते हैं, देना पड़ेगा लेना पड़ेगा, तो ये कर्जे स्ट्रांग है, वो अगर हमने दिया है तो बैलेंस में ऐड करेंगे, और हमें देना है तो बैलेंस में से लेस करेंगे। फिर कर्जे हसना ही में से एक कर्जे हंसना है, वो कर्जे हंसना है, कर्जा दिया अब जब मांगने जाते हैं तो हंस देता है कि मैंने तो कर्जे हंसना लिया है, इनकार भी नहीं करता कि नहीं दूंगा, वो देता भी नहीं अल्लाह का बंदा, बस हंस देता है, दांत दिखाता है, ये मिडिल क्लास का कर्जा है। पुराने जमाने में इसकी मिसाल किताबों में ये लिखी थी कि घर में कहीं माल दफन किया, पहले जब बैंकें नहीं थी और नोट नहीं थे, सोना चांदी के सिक्के थे, तो घर में रखेंगे तो डाकू आकर माल भी ले जाएगा, गला भी काट जाएगा, घर में दफन करते थे, दफन करने के बाद जगह भूल गए, तो अब ये मिडिल क्लास की रकम होगी, अल्लाह जाने मिल भी सकती है नहीं भी मिल सकती है, फिर उसमें थे कि छोटा घर है तो वो तो खोदो, पूरा घर खोदो, लेकिन खेत में दफन किया है, कई बीघे का खेत है, कौन से दरख्त के नीचे दफन किया वो भूल गए, या कश्ती डूब गई उसमें हमारा माल डूब गया, लेकिन ये कश्ती कभी न कभी अंदर से समंदर में से निकाली जाती है, और निकलेगा तो हमारा माल भी सोना चांदी निकलेगा, ये सब माल बेमार कहलाता था, ये मिडिल क्लास का है। आजकल ये नई किस्म निकली है, आजकल हम कर्जा लोगों को देते हैं, वो इनकार भी नहीं करता और देता भी नहीं, दूंगा दूंगा करता रहता है, सालों गुजर गए और उम्मीद नहीं बनती तो वो देगा, क्यों, उसके घर में बहन है हमारी, ज्यादा सख्ती करेंगे तो बहन को तलाक देकर हमारे घर बिठा देगा, तो हम दबाव देकर मांग भी नहीं सकते, अगर वो चल रहा है चल रहा है, लिहाजा ये जो कर्जा दे रखा है ये मिडिल क्लास का कर्जा है, फिलहाल न ऐड होगा न लेस होगा, जब वसूल होगा तब पिछले सब सालों की ज़कात देनी, और जब तक वसूल न हो वहां तो कुछ नहीं। और वीक कर्जा, बीवी के दो मेहर हैं, एक है कैश और एक है उधार, अब पहले तो बीवियों के सब मेहर उधारी होते थे, मगर अब तो औरतें मानती नहीं, वो कहते लाओ कैश लाओ, तो ये जो कैश मेहर है ये तो स्ट्रांग कर्जा है, निकाह हो गया $1,000 पर निकाह हुआ तो ये $1,000 जो कैश मेहर है वो तो बहरहाल देना है, लेकिन पहले और अब भी दुनिया में बहुत सी जगह पर उधार भी मेहर होता है, ये जो उधार मेहर होता है वो मौत तक नहीं मांगा जाता, मौत पर या तलाक पर दिया जाता है वो मेहर, तो ये जो मेहर का कर्जा औरत का है ये वीक कर्जा है, लिहाजा औरत उसको अपने बैलेंस में ऐड नहीं करेगी और शौहर अपने बैलेंस में से उसको लेस नहीं करेगा, क्योंकि मांगना नहीं,
फिलहाल मांगने का औरत को कोई हक नहीं है, जब तलाक हो या मौत आए तब मांगा जाता है। और आज इसकी बेशुमार मिसालें हैं, लोग घर खरीदते हैं, मशीन खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं वगैरह वगैरह किस्तों पर, महीने की इतनी किस्तें। तो ये जो किस्त पक गई वो तो है स्ट्रांग कर्जा, और जो किस्तें कच्ची हैं वो सब वीक कर्जा है, वो न लेस होगा न ऐड होगा। क्यों? वो किस्तें अभी मांगने का हक नहीं, और जो किस्त पक गई वो तो मांगे एनी टाइम मांगेगा, लिहाजा वो स्ट्रांग कर्जा है। इनके अलावा एक है प्रोडक्शन, ये एक नई शक्ल निकली है, पहले होती होगी मगर बहुत थोड़ी तादाद में, अब तो बड़े बड़े कारखाना है और मिलियनों का रॉ मटेरियल कारखाने में पड़ा हुआ है। वो रॉ मटेरियल बेचने खरीदने के लिए नहीं है, वो चीजें मसनूआत उससे तैयार होंगी और सॉक्स बनकर बिकेंगे या बनियान बनकर बिकेंगे, कपड़ा बनकर बिकेगा और वो रॉ मटेरियल है। या जैसे अब फार्म होते हैं, मुर्गी का फार्म है, उसमें मुर्गियां हैं वो सिर्फ अंडे देंगी, मुर्गियां बेचने के लिए नहीं, या मुर्गियां बिकेंगी लेकिन कब, जब एक किलो की हो जाएगी तब बिकेगी, उससे पहले नहीं बिकेगी। ये सब प्रोडक्शन है। ये प्रोडक्शन के बारे में हमारे यहाँ दारुलूम देवबंद के दारुल इफ्ता का फतवा ये है कि जो कारखाने में रॉ मटेरियल है इसमें ज़कात वाजिब है, क्योंकि उसकी बहरहाल चीजें बनकर बिकेगी, जब चीजें बनकर बिकेंगी तो वो भी तिजारत का माल है, उसमें ज़कात वाजिब है। लेकिन मैं उसको ज़कात के बाब में नहीं लेता है जो रॉ मटेरियल कारखाने में है। जैसे मशीनों में ज़कात वाजिब नहीं, क्यों? वो प्रोडक्शन के लिए टूल है, आलात है, जराए हैं। इसी तरह से रॉ मटेरियल है, ये जरिया है, टूल है। फिर उसके जब सॉक्स बन गए और बनियान बन गए, अब भी ज़कात नहीं। जैसे अपने खेत में से गेहूं पैदा हुआ वो जब तक बिकेगा नहीं वहां तक ज़कात नहीं, ऐसे ये हमारे कारखाने में जो चीजें तैयार हुई अभी ज़कात नहीं, हाँ ये बिक गया अब उसकी जो कीमत आई अब वो बैलेंस में ऐड होगी, और जब बैलेंस पर साल पूरा होगा तो इस अभी 5 दिन पहले बिल वसूल हुए हैं, वो 5 दिन पहले बिल वसूल हुए हैं वो भी बैलेंस में जाएंगे, और जिस दिन बैलेंस पर साल पूरा होगा इसकी भी ज़कात आएगी। लेकिन दारुल इफ्ता कहता है कि रॉ मटेरियल में भी ये तिजारती माल है, लिहाजा दारुल इफ्ता के फतवे पर अगर कोई अमल करे तो इसमें सलामती की बात है, एहतियात की बात उसी में है कि उस पर अमल करना चाहिए। ये जो तिजारती अमवाल है उसमें कौन सी कीमत का एतबार है? हमने जो खरीदी है खरीद कीमत का एतबार है, या जो हम बेचेंगे उस कीमत का एतबार है, या मार्केट वैल्यू का एतबार है? जवाब है कि मार्केट वैल्यू का एतबार है। और खरीदी हुई कीमत और मार्केट वैल्यू आमतौर पर एक होता है अगर मुद्दत लंबी नहीं गुजरी, और अगर एक प्लाट खरीदा है 3 साल से पड़ा हुआ है तो अब मार्केट वैल्यू बदलेगी, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। और जो आम तौर पर माल आया और महीने में बिक गया, फिर दूसरा माल आया महीने में बिक गया, उसका तो खरीद और मार्केट वैल्यू एक ही होती है। और जो बेचना है नफे के साथ उसका एतबार ज़कात के बाब में नहीं, वो तो नफा है, जब मिलेगा तब मिलेगा, कोई जरूरी नहीं मिले, लिहाजा जो हमने उसके ऊपर चिट लगा रखी है 169, ये जो आपने उस पर लगा रखा है ये ज़कात में नहीं गिना जाएगा, इसमें तो 69 तो आपका नफा है, आप लाए उसे $1 में और 69 तो उसके ऊपर आपने नफा लगा रखा, वो नफा तो जब बिकेगा तब आएगा, उससे पहले कुछ नहीं है। हो सकता उससे पहले चोर ले जाए, हो सकता उससे पहले चूहा खा जाए, हो सकता उससे पहले कीमत घट जाए,
कुछ भी हो सकता है, लिहाजा जो आपकी मार्केट वैल्यू है और जो खरीद है, अगर जमाना करीब है तो दोनों एक होते हैं, और अगर जमाना दो फासला हो गया है तो मार्केट वैल्यू का एतबार है, खरीद का एतबार नहीं। ये चंद जरूरी मसाइल थे जो मैंने अर्ज कर दिए, और पहले भी ये मसाइल सब बयान किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब यहां लोग मसाइल से और दीनी बातों से इतनी वाकिफ हो चुके हैं कि अब हमारे इस मुल्क में आने की जरूरत नहीं रही, हमारा बेकार आना है। क्यों? असर के बाद हम सवाल के जवाब देते हैं, कोई जेब में पर्चा है ही नहीं, किसी को कोई सवाल पूछना ही, सबको सब मसले मालूम है, और ये अमेरिका है वहां चले जाओ पूरा ठेला भरा रहता है पर्चों का, इतने सवालात इतने सवालात इतने सवालात। बरतानिया का भी अल्हम्दुलिल्लाह ये हाल है, बरतानिया में भी कोई सवाल ही नहीं किसी के जहन में, जो कुछ सुना दो वो लोग सुन लेते हैं, बाकी उनके जहन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई इश्काल हो, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, कुछ नहीं। इस मुल्क का हाल भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है, अल्लाह इस हाल में तरक्की अता फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बाकी अब हमें अब तो आ गए गलती से, आइंदा हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं रही। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।